आपका स्वागत है। आज दोस्तों आप सभी लोगों के लिए मैंने 6 ऐसी कमाल की टिप लाया हूं जिससे आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज में यह भी बता दूं कि बहुत सारी ब्रांड्स हैं, उनके अलग अलग तरीके के फोन से अलग अलग तरीके के उनके खुद के सॉफ्टवेयर और यूआई चलते हैं, तो यह डिपेंड करता है उनके ऊपर भी कि क्या चल रहा है, समझ रहे हैं आप। तो लेकिन जो टिप मैं आपको दे रहा हूं ये ज्यादातर सारे फोन्स में काम करेगी, आप इनका जरूर से इस्तेमाल करना। लेकिन उसके बाद मैं आपको जबरदस्त बोनस टिप्स भी देने वाला हूं, 4 कमाल की लाइफ सेविंग टिप दूंगा बैटरी से रिगार्डिंग, उसको भी आप जरूर से देखना। सबसे पहली टिप जो बहुत सिंपल है और मैं आपसे रिकमेंड करता हूं क्योंकि मैं भी पर्सनली इसका इस्तेमाल करता हूं, आप अपने फोन में ना डार्क मोड का इस्तेमाल करिए। अभी आजकल सारे फोन्स में 6-7 हज़ार के फोन्स में भी आ रही है, आप इसका इस्तेमाल करिए। ये बेसिकली दोस्तों ज्यादातर अगर आपके पास एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन है तो ये इसमें और अच्छे से काम करेगी क्योंकि उनमें इंडिविजुअल पिक्सल्स होते हैं और डार्क मोड में वो पूरे ब्लैक हो जाते हैं, तो इससे आपकी बैटरी लाइफ एक्सटेंड होती है। ट्रस्ट मी, मैं यूज करता हूँ, मेरे फोन में मैं डार्क मोड ही यूज करता हूँ और मुझे बहुत फायदा हुआ है। आप ट्राई करिए, आईपीएस में भी ट्राई करिए, कुछ नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ डार्क मोड का इस्तेमाल करिए, आपको उसमें बैटरी में कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलेगी। दूसरी चीज दोस्तों देखिए, अननेसेसरीली हमें पता नहीं होता है लेकिन हमारे फोन में ब्लूटूथ, एनएफसी, लोकेशन वगैरह सब कुछ पीछे चलता रहता है। जी हाँ, ये सब कुछ अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो बंद कर दीजिए। आपको पता है ये जो लोकेशन जो है ये इतना बैटरी कंज्यूमिंग चीज है कि मैं आपसे क्या बताऊं। मानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लेकिन आप जाके उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करिए, हाई पर चाहिए, लो पर चाहिए, कैसा चाहिए वो देखिए। और अगर आपको पता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए तो बंद कर दीजिए क्योंकि इससे आपकी बैटरी लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी। ब्लूटूथ भी यूज हो रहा है, आप कभी कभी देखो वाईफाई रहता नहीं हमारे घर में, हमने वाईफाई भी ऑन करके रखा है, वो भी बैकग्राउंड में अननेसेसरीली ऑटोमेटिक स्कैन करता रहता है, उसकी भी जरूरत नहीं है, बंद कर दीजिए। एनएफसी यूज नहीं कर रहे तो बंद कर दीजिए, ये सारी चीजें बंद करिए, इससे भी आपकी बैटरी लाइफ इंप्रूव्ड होगी। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोग अपने फोन में ना फुल ब्राइटनेस पर अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं। ये दोस्तों मानते हैं, बहुत सारे लोग को एक हैबिट है, मेरे डैडी खुद फुल ब्राइटनेस पर अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी बैटरी लाइफ को इंप्रूव करना है तो आप ब्राइटनेस जो वो मैन्युअली कम कर दीजिए। ऑटो ब्राइटनेस तो गलती से भी मत रखना क्योंकि वो दिमाग खराब कर देगा, वो एनवायरमेंट के हिसाब से जो है बाहर गए पूरा डिस्प्ले ब्राइट कर देगा क्योंकि वो उसका काम है, अंदर आए कम कर देगा, कम ज्यादा वो पागल कर देगा, तो उसको बंद कर दीजिए। सीधा मैन्युअली ब्राइटनेस को 50% से थोड़ा नीचे रखिए, डिस्प्ले क्लियर दिखता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। इससे भी दोस्तों दिन भर अगर आप अपने फोन का इस्तेमाल करेंगे तो फुल ब्राइटनेस से ज्यादा आपकी बैटरी यहां पर परफॉर्म करेगी। एक और चीज ये है दोस्तों कि हमारे फोन्स में ना बहुत सारे ऐप्स होते हैं, कितने तो ऐसे लावारिस ऐप्स होंगे जो हमें डाउनलोड कर लिया रहेगा लेकिन हमने उसकी तरफ देखा भी नहीं रहेगा। यही सबसे बड़ा कारण होता है आपकी बैटरी को ड्रेन करने का, ये बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। आपको पता है ये ऐसे बैठे नहीं रहते, इनका पीछे अलग से दावत चलता है, चला तू खाना खा ले, मैं तेरे घर पे खाना खाने आता हूँ, हाँ बहुत सारी बातें होती रहती है। कभी कभी कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो बैकग्राउंड में डेटा भी कंज्यूम कर रहे हैं, सीरियसली बोल रहा हूँ, तो आप इनको बंद कर दीजिए, इनका कोई जरूरत नहीं है, पहले तो डिलीट कर दीजिए अगर काम नहीं है तो, और सेटिंग्स में जाइए, ऐप में जाइए, वहां पर अगर ये डिलीट नहीं होते सिस्टम ऐप से तो आप उनको डिसेबल करिए, फोर्स स्टॉप करिए, फ्रीज करिए, बहुत सारे रास्ते, तो ऐसे लिमिटेड सेट ऑफ ऐप रखिए जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, जो नहीं करते इनको उठाकर फेंक दीजिए क्योंकि ये आपकी फोन की बैटरी को ना खा रहे हैं। वॉलपेपर्स, ठीक है, आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के वॉलपेपर्स का इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट मैं भी करता हूं, मेरे पास यकीन नहीं करोगे आप 6 महीने से वही वॉलपेपर चल रहा है, मैंने उसको चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं फैन जिनको अलग अलग तरीके का वॉलपेपर चाहिए होता है, तो आप ध्यान रखिए लाइव वॉलपेपर से बचिएगा क्योंकि ये बेसिकली आपकी फोन की बैटरी को ड्रेन करता है, ऑब्वियसली वो लाइव है, वो चलता रहता है तो बैटरी तो कंज्यूम होगी, उससे बचिएगा। वॉलपेपर्स में भी एक टिप देता हूं, अगर आपके पास एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन है तो ब्लैक वॉलपेपर का इस्तेमाल करिए, बहुत फायदा होगा, आपकी बैटरी बहुत अच्छी चलेगी। आईपीएस में भी ठीक है लेकिन वॉलपेपर्स ऐसे रखिए जिसमें ज्यादा कुछ एकदम उठ के ना आए, सिंपल टाइप का वॉलपेपर हो वो भी बेटर हो, और विजेट्स भी थोड़े कम इस्तेमाल करिए, कभी कभी विजेट्स भी जो है वो बहुत सारा बैटरी कंज्यूम करती है, तो ये भी इंटरेस्टिंग टिप है आप जिसका ख्याल रखिए। और फाइनल जो टिप ये है, देखिए ये बहुत ही जरूरी है और ये बहुत काम आता है, मेरे साथ हुआ है, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, मैं कहां गया था मुझे याद नहीं, मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिस में गया था और मेरी बैटरी अच्छी थी, 55% के आसपास थी, लेकिन फिर भी मैंने पावर सेविंग ऑन रखा था। ऐसा नहीं है कि आपकी बैटरी अगर 10-15% पर आ गए तो ही पावर सेविंग ऑन करिए, नहीं नहीं आप बीच में भी कर सकते हैं। इससे दोस्तों बहुत सारे टास्क को वो किल करता है,
आपके फोन को रिंगर मोड में डाल देता है, वाइब्रेशन बंद कर देता है और ऐसे बहुत सारे अच्छे काम करके देगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ कर देता है और इससे आपकी बैटरी लाइफ एक्सटेंड होती है। आप ये ट्राई करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा बैटरी की ज़रूरत है और आपको लग रहा है कि यार ये जल्दी ड्रेन हो जाएगा, तो डोंट वरी, पावर सेविंग ऑन करिए और उसका कमाल देखिए। अब बात करते हैं कुछ लाइफ सेविंग बोनस टिप्स की, जो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बैटरी को कैसे इंप्रूव करेगी। सबसे पहली चीज, आपके फोन की बैटरी कभी भी 0% मत होने देना, याद रहे 20-30% पर ही रखना और जैसे वहां तक बैटरी जाती है तुरंत उसको चार्ज पर लगा देना, और चार्ज पर लगाने के बाद 100% मत होने देना, 90% के अंदर ही उसको निकाल देना। इसका जो साइकिल है ना दोस्तों, वो आपकी बैटरी लाइफ को इंप्रूव करेगा। ट्रस्ट मी, मैं वैसे ही करता हूँ। 2 साल से फोन यूज कर रहा हूँ मैं ओप्पो का, बैटरी लाइफ अभी भी मस्के जैसी चल रही है। आप वैसे करिए, आपकी बैटरी लाइफ को काफी बूस्ट मिलेगा। उसके अलावा आपकी फोन की जो बैटरी होती है उनको एक्सट्रीम हीट कंडीशन में मत लेके जाइए, केमिकल लोचा हो जाता है। आई एम सीरियस, कभी कभी हम चार्ज करते फ्रिज पर रखते हैं, चार्ज करते मशीन पे, ओवन पे, इधर उधर रखते हैं, बैटरी गर्म हो रही है, चलो वो तो ठीक है कुछ टाइम तक, आगे चल के दोस्तों आपकी बैटरी जल्दी ड्रेन होगी, बैटरी जो है वो खराब हो जाएगी। ध्यान रखिए दोस्तों, बैटरी का टेम्परेचर ऐसा रखिए, फोन का टेम्परेचर ऐसा रखिए, रूम टेम्परेचर हो, और उसकी ख्याल रखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, ये वाली दोस्तों एक बहुत ही सिंपल टिप है, सबको पता है। अगर लग रहा है कि बैटरी हाँ, तो आपको पावर बैंक का इस्तेमाल करना है। सिंपल सी बात है, अपने पास रखिए पावर बैंक, जब लग रहा है कि बैटरी 4 घंटे में 50% हो गई तो पावर बैंक का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिंपल लाइफ सेविंग टिप है, आप इसका इस्तेमाल करिए। और फाइनली, ये सबको पता होना चाहिए कि थर्ड पार्टी चार्जर का इस्तेमाल मत करिए, ये आपकी बैटरी को खा जाएगी, आपके फोन को तबाह कर देगी। आप ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल करिए, भले ही वो कितने भी कम वॉट का हो, लेकिन ओरिजिनल चार्जर का ही इस्तेमाल करिए, जो बॉक्स में आता है लोकल, उनकी ओरिजिनल गैलरी में जाके करिए। थर्ड पार्टी चार्जर ले लिया इधर उधर से पैसे बचाने के लिए, तो आपके फोन की बैटरी खत्म हो गई समझो। तो ये थे दोस्तों वो इंपॉर्टेंट 6 जबरदस्त बैटरी सेविंग टिप जो मैंने आपको बताया, जिससे आपके फोन की बैटरी इंप्रूव्ड होगी, और साथ में कुछ बोनस टिप्स भी दिया हूं। अगर आप ऑनेस्टली इन सबको फॉलो करते, ट्रस्ट मी गाइस, मैं यूज करता हूं उनमें से बहुत सारी चीजें, मेरे फोन की बैटरी बहुत अच्छी चलती है, आपकी भी उतनी ही अच्छी चलेगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करके बने रहना, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।